शहंशाह हज़रत अली हजरत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 102वें सालाना उसके मौके पर मैं प्यारे जिया खान चेयरमैन हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से आने वाले तमाम जायरीनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज हम सब मिलके उस जश्न में डूबे 102वें सालाना उसकी सबको दिली मुबारकबाद पेश करता है हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब। आज हमारे यहाँ पर जो परंपरा है रघुजी राजा पंचम राजा भोसले के यहाँ से चली आई है, उनके हस्ते कुछ ही लम्हा पहले शान शौकत के साथ में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का पंचम से आज ओपनिंग और झंडा मंडल से हमारा इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। आज फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ शहबाज अख्तर, आप देख रहे हैं TNN24 न्यूज़ चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें। मेरे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर डॉक्टर अनीस अहमद साहब और उनके पीछे पूरी टीम देख रहा है रॉयल किंग बाउंसर बॉडीगार्ड की। मैं लगातार TNN24 न्यूज़ चैनल पर नए चर्चों के साथ आपसे मिलता हूँ। चलिए आइए मैं आपको बता दूँ कि आज 29 जुलाई 2024 है। आज ही के दिन से नागपुर में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 102 सालाना उर्स शुरू हुआ है और यहाँ पर अनीस अहमद साहब मौजूद है जिनसे हम बात करना चाहेंगे और चर्चा करना चाहेंगे हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की परिचय को लेकर। निस भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको मैं यहाँ पे जितने जायरीन आए पूरे हिंदुस्तान से सारे जायरीन लोगों को मैं पूरे हिंदुस्तान के आए हुए सारे जायरीन को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो ये उर्स हो रहा है 100 साल से भी ज़्यादा हो गए इसको, 102 साल होने जा रहे हैं, ये उर्स में जायरीन लोगों को जितनी कम्फर्ट मिल सके मिलना चाहिए। और हमने उर्स के इस मौके पर हमने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है जो भी महाराष्ट्र का जायरीन चाहे वो सोलापुर का हो चाहे नागपुर का हो चाहे कोल्हापुर का हो जिसे भी कहीं पर भी जाना है अजमेर शरीफ की दरगाह हो ताजुद्दीन बाबा की दरगाह हो तो उसके टिकट का खर्चा आने जाने का खर्चा वो महाराष्ट्र सरकार से उठाना चाहिए, ये मांग हमने वजीर आला के सामने रखी। बिल्कुल ये प्रस्ताव 1 महीने में हो जाएगा और सिर्फ दरगाहों के लिए नहीं, अगर किसी को नांदेड़ में कोई बड़े गुरुद्वारा में जाना है या किसी को कोई भी तीर्थ यात्रा में जाना है उस सारे धर्म वालों के लिए इस तरीके का उन्होंने पैसे का प्रावधान करना चाहिए और उनके आने जाने का खर्चा जो भी है वो खर्चा महाराष्ट्र सरकार ने उठाना चाहिए, ये मांग मैंने वजीर आला से किया है, माइनॉरिटी के मिनिस्टर सत्तार भाई से किया है। आखिरी एक छोटा सवाल मेरा ये है कि आज हजरत बाबा ताजुद्दीन का उर्स चालू हुआ है और आप लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं, ट्रस्ट का काम देख रहे हैं, ट्रस्ट के कारनामे देख रहे हैं, क्या कहेंगे ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट में बदलाव ला रहे हैं? देखिए मैं यहाँ पर 92 से लेके 97 तक मैं खुद यहाँ का चेयरमैन रह चुका हूँ हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का। यहाँ पर मैंने भी यहाँ पर लोगों के रहने के लिए बहुत बड़ा मुसाफिर खाना बनाया हुआ है और आज देखो 25-30 दिन के बाद में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जब हमारी सरकार थी हमने विलासराव देशमुख हमारे मुख्यमंत्री थे तो हमने उस समय 100 करोड़ रुपए की मांग की थी लेकिन आज यहाँ पर करोड़ों रुपए का काम हुआ है और मुझे लगता है कि विदर्भ के अंदर में ताजुद्दीन बाबा महाराष्ट्र के अंदर में ताजुद्दीन बाबा का जो ट्रस्ट है
जो दरगाह है ये एक नंबर है, पूरे सेंट्रल इंडिया में एक नंबर के दरगाह है ये। छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से, तेलंगाना से यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पर अब जो दुआ मांगता है वो दुआ उनकी कबूल होती है। आए हुए श्रद्धालु को क्या कहना चाहिए? मैं आए हुए श्रद्धालुओं को यही कहूँगा कि यहाँ पर जो इंतजाम किया है यहाँ के ट्रस्ट के लोगों ने, अगर कुछ भी कम ज़्यादा है तो आपने ट्रस्ट में बैठ के बात करनी चाहिए। अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लग रहा है, हिसाब किताब में कम लग रहा है, तो आपने बंद कमरे में बैठकर लोगों को लेकर, उलमाओं को लेकर बैठ के उसको अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करनी चाहिए। अगर आप किसी पे भी उंगली उठाकर, अगर आप यहाँ पर आकर उंगली उठा रहे हैं तो आप बाबा के पक्के फॉलोअर नहीं हैं, बाबा को भी, बाबा के इलाके को भी बदनाम करने का काम यह बार सुना आपने कि इसके पहले ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे जिया खान साहब ने भी कहा कि आपको कोई भी चीज़ की तकलीफ और कोई भी इसका समस्या हो तो आप खामोशी में बिना झिझक और बिना समस्या को करते हुए हमारे पास आओ और हमारी हमारे को तकलीफ बताओ, आपकी तकलीफों को बहुत जल्द दूर करेंगे। ये थे मेरे साथ नागपुर के अनीस अहमद साहब जो महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर है रह चुके हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TNN24 न्यूज़ चैनल को। शहबाज अख्तर के साथ नागपुर से।